नहीं डिजाइन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब उसी बाथरूम में गीजर के पास में छिपकली चिपके थे, और छिपकली हमने देख लिया, और छिपकली को देख के हम मुस्कुराए। तो शेख जी ने पूछा, गुरुजी तुम छिपकली क्यों देख रहे? हमने कहा ऐसे। तो उसने पूछा, गुरुजी ये छिपकली की कथा कहीं लिखी है क्या? हमने कहा करुण पुराण के तीसरे अंश में लिखी है। गुरुजी क्या लिखा है? हमने कहा ये लिखा है कि जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कभी जिंदगी में कथा सुनने नहीं पहुंचता है, वो उसी घर में छिपकली बन के चिपक जाता है, उसी घर के आगे। अब तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी छिपकली की योनि छूट गई। दिक्कत तो उसकी है, क्या होगा तेरा कालिया जो नहीं आया। कहते हो कमरा मेरा है, छिपकली चिपकी चिपकी आंख भड़ भड़ के कहती है मेरा घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता। 84 लाख योनियों में से एक योनी है छिपकली की योनी, जो जो घर दरवाजा छोड़कर दो कदम भी चलकर भगवान के मंदिर देवालय कथा तक पहुंचता है, 84 लाख योनि में से छिपकली की योनि उसकी छूट जाती है, छूट गई। और जो पहुंचे ही नहीं है तो फिर वो तुम्हारे घर में भी कहीं की छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना तुम्हारी रिश्तेदार है। उसको उस कमरे में से 25 बार भगा दो, वो उसी ट्यूबलाइट के पीछे आके छुप जाती है, उसी जगह पहचान जाना कोई रिश्तेदार है बेचारे से घर में छूटा चिपक पहचान। आज घर जाओ और पड़ोसन मिले तो सके देना छिपकली की कथा सुनी है। बाकी के बच्चे हैं चार, तेरे को भी छूटना हो छिपकली से तो चल, नहीं तो एक दिन दीवार पे चिपकी मिलेगी। और फिर निवेदन है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सूट सब यही सब।